दिल धड़क रहा ना आपका भी, वोट तो पड़ गए, इम्तिहान खत्म, अब नतीजों की बारी। 23 मई सुबह 6 बजे से लगातार आपके मोबाइल पर यूपी तक पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश की 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव है और सबसे अहम है अजय राय जी के लिए। अजय जी, आप यहां वोट डाल रहे हैं, मोदी जी केदारनाथ में हैं, बद्रीनाथ के दर्शन कर रहे हैं। देखिए, बाबा विश्वनाथ, विश्व के नाथ यहाँ विराजमान है, महादेव की नगरी में हम लोग यहाँ बाबा के भक्त हैं, बाबा की आराधना करके हमने वोट डाल दिया। ये बताइए अजय जी कि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने कहा प्रियंका और दिया अजय राय। देखिए, कांग्रेस शुरू से ऐसी पार्टी है जिसने अपने कार्यकर्ता और अपने वर्कर पर विश्वास किया और अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया। एक समय पे यहाँ पे मुरली मनोहर जोशी आए, वो चले गए कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के। क्या क्या ये जो बनारस के साथ जो ट्रेंड हो रहा है बाहर के कैंडिडेट्स का, इसको लेकर के क्या बनारस में मंथन नहीं है? बनारस में मंथन है, आज उसी पे आधार पर वोट पड़ रहा है यहाँ पे कि बाहर के लोग क्या बनारस को क्या बना रखा है, चारागाह बना रखा है। जब हुआ तब चले अटैची लेकर, मोदी जी आए और पूरे गुजरात के लोगों को लेकर आए, सारे हर इम्पोर्टेंट पोस्ट पर, सारी जगह पर गुजरात के लोगों को बैठा दिया। इवन नामांकन कराने वाला व्यक्ति भी गुजरात से काकू भाई आया, बनारस के एडवोकेट्स वकील क्या उनको नहीं मिले जो उनको, जिनके ऊपर उन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने उनको भारी मतों से चुनाव जिताया। लेकिन सपा बसपा और कांग्रेस का तालमेल ना होना, क्या ये सही रहा? क्यों ऐसा हुआ कि पार्टीज बीजेपी को अगर एक सिंबॉलिक फाइट देना चाहती थी तो साथ क्यों नहीं आ पाई? देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस का पूरा पूरे देश में लड़ रही है और पूरे देश का चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है, ये कांग्रेस बनाम बीजेपी का चुनाव है। तो सपा बसपा का चैलेंज यहाँ पे, सपा बसपा का चैलेंज काशी में नहीं है।